नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, दरअसल ये वीडियो मैं एक दिन बाद शूट कर रहा हूँ। वीडियो मैंने ऑलरेडी बना ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी जो स्टार्टिंग में बनानी चाहिए थी वो नहीं बनाई थी, वो मैं एक दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कल जो है मैंने एक एटियोस का फ्यूल पंप यानी डीजल पंप खोला था और साथ ही साथ उसके टैंक का फिल्टर खोला था, उसको साफ किया था, क्योंकि टैंक के अंदर जो है किसी ने कागज़ डाल दिया था जिससे उसका फिल्टर चोक हो गया था। और गाड़ी जो है ऑफ रोड कर रही थी या ख़राब रोड पर चल रही, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब वो स्मूथ रोड पर आ रही थी तो कागज़ जो है वो फिल्टर के पास इकट्ठा हो जा रहा था और फिल्टर को बंद कर दे रहा था, जिससे कि गाड़ी जो है बंद हो जा रही थी और फिर स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो इससे क्या हो रहा था कि अब गाड़ी जब बंद हो जा रही थी फिर स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसमें हो रहा था कि बैटरी टर्मिनल निकाल के वापस लगाया जा रहा था, जिससे कि हो क्या रहा था कि फिल्टर थोड़ी देर के लिए खुल जा रहा था जब फ्यूल रिटर्न होता है अपनी ही लाइन पर से, तो जब वहाँ से रिटर्न होता था तब फिर दोबारा गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो अब वीडियो आप आगे देखिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो फिल्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एटियोस का ही है, उसकी जाली जो है जैम हो गई है। यही वो जाली है जो जैम हो गई थी, इसी पे कागज़ और जंग का जो बहुत ज़्यादा टुकड़ा जो है जमा हो गया था, जिससे कि ये जाम हो जाता। और जो नीचे जो बकेट है, उस बकेट में एक वाल्व होता है, वो वाल्व जो है वो बार बार बंद हो जा रही थी उस पेपर से। फिर ये फिल्टर जो जाली वाली आप देख रहे हैं, ये भी बंद हो जा रही थी। तो इससे क्या है कि गाड़ी जो 100-200 किलोमीटर चल रही थी ऑफ रोड पर भी, तो वहाँ पे भी बंद हो रही थी, और स्मूथ रोड पे तो बंद हो ही रही थी। फिर ये डीजल पंप है, इसका जो फिल्टर है वो भी ख़राब हो गया। तो अभी हम इसको निकाले हैं, अभी इसको हम साफ करेंगे और नया डीजल पंप हमने इसको धो लिया है। फिर इसका जो डीज़ल फिल्टर है, जैसे ये डीज़ल फिल्टर है तो ये चेंज करेंगे। इसका जो डीज़ल फिल्टर है वो 960 रुपये का आता है ओरिजिनल, और हमने इसको धो लिया है। बस अब इसका डीज़ल फिल्टर आके लग जाएगा तो हम इसको लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमने डीज़ल फिल्टर लगा दिया है, अब इसको टैंक में लगा रहे हैं। तो अब मैं इसको फटाक से इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ। इसमें हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। देखिए मैंने इंस्टॉल कर दिया है। इसमें बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसमें एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में इसको फंसाना है और बाकी बोल्ट टाइट कर देना, पाइप और कपलर लगा देने हैं। बैटरी टाइट हो गई, बस अब टैंक लगाकर जो है गाड़ी को पंप करके, इसका जो पंप है उसको पंप करके गाड़ी को स्टार्ट कर देना है। अगर गाड़ी में डीजल ना हो, प्रॉपर डीजल ना हो, अगर आप पंप मारते हैं, अगर पंप आपका टाइट नहीं होता है, तब आप गाड़ी पे सेल्फ बिल्कुल ना लें। तब क्या होगा कि जब आपकी गाड़ी इंजेक्टर एयर ले लेगी तो आपके इंजेक्टर्स जो हैं वो सीज़ हो सकते हैं। तो अब हम फटाफट इसका टैंक जो है यहाँ चढ़ा देते हैं। यहीं पर आप ये जो छेद देख रहे हैं वहाँ पर इसकी पाइप ऊपर से लगेगी और ऊपर ही तार है इसका, तो फटाफट हम इसको लगा लेते हैं। तो फटाफट टैंक जो है इस पर चढ़ा कर इसको हमने टाइट भी कर दिया है जल्दी से।